Hello guys, good morning. Welcome to my new vlog. So, आज आप सोच रहे होंगे कि मैं सुबह सुबह उठ के ऐसे ही बिना मतलब कुछ भी किए, मेकअप ना किया, कुछ नहीं, ऐसे क्यों मतलब व्लॉग बनाना मैंने शुरू कर दिया है. सो बेसिकली आज अवि की डॉक्टर्स अपॉइंटमेंट है तो हमें वहां के लिए निकलना था, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं एक व्लॉग बना लूं और उसमें आप सबको भी साथ में लेके चलूं और दिखाऊं कि यहाँ पे यहाँ की मेडिकल सर्विसेज किस तरह से वर्क करती हैं और किस तरह से बच्चों का चेकअप एंड ऑल किया जाता है. सो अभी मैं उठ गई हूँ, अभी भी ऑलमोस्ट उठ गया है. अवि के पापा तो पहले ही उठ गए थे. सो अभी मैं रेडी होने जा रही हूँ, मैं रेडी होंगी पहले, फिर अभी को रेडी करूंगी, फिर उसके बाद हम हॉस्पिटल के लिए निकलेंगे. सो आप प्लीज बने रहिए व्लॉग में आगे और हम चलते हैं हॉस्पिटल की तरफ. सो फ्रेंड्स, मिलिए मेरे प्यारे से बेटे, इसका नाम है अवि. एक्चुअली इसका नाम है अथर्व, बट हम इसको प्यार से बोलते हैं अवि. सो अवि अभी उठ गया है. बेबो से गुड मॉर्निंग एवरीवन, बोलो सबको गुड मॉर्निंग, बोलो गुड मॉर्निंग. सो गाइस, यहाँ पे कनाडा गवर्नमेंट का रूल है कि बच्चे को कार सीट में ही आप बाहर ले जा सकते हैं. आप उसको सीट पे या गोदी में बिठा के आप उसको सीधा डायरेक्टली जो है बाहर नहीं लेके जा सकते, इसीलिए हम अवि को अब कार सीट में पैक कर रहे हैं उसकी. सो इसमें प्रॉपर जो है बेल्ट्स होती हैं बच्चे की सेफ्टी के लिए. तो इसको जो है कार में इसका बेस जो है वो इंस्टॉल होता है, तो इंस्टॉल करके बेस के ऊपर ये कार सीट लगती है. और इस कार सीट के भी बहुत सारे फीचर्स होते हैं और ये गवर्नमेंट अप्रूव्ड होती है और इसकी वैलिडिटी होती है 5 इयर्स की. 5 इयर्स के बाद ये एक्सपायर हो जाती है और आप इसको यूज़ नहीं कर सकते फिर. और अप टू 10 kg तक का बेबी ही आप इसमें सिर्फ बिठा सकते हैं. उससे बड़े बेबी के लिए डिफरेंट कार सीट आती है, तब जब वो बेबी थोड़ा बड़ा हो जाता है तो उसके लिए डिफरेंट कार सीट लेते हैं. आप देख सकते हैं बाहर कितनी स्नो पड़ी हुई है और इतनी ज़्यादा ठंड है. आज बाहर का टेम्परेचर भी अप्रॉक्सीमेटली -20 के आसपास का है और जहाँ भी आप देखेंगे आपको स्नो ही दिखाई देगी. सो हम घर से निकल चुके हैं अभी की डॉक्टर्स अपॉइंटमेंट के लिए. हम थोड़ा सा लेट हो गए हैं, होपफुली हम टाइम से वहाँ पर पहुँच जाएँ. वैसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती अगर आप 5-7 मिनट 10 मिनट लेट होते हैं, तो ऐसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती. आप रोड कंडीशंस देख सकते हैं कितना स्लिपरी है बाहर स्नो की वजह से, और इस टाइम भी स्नो भी पड़ रही है और जितनी भी गाड़ियां हैं वो बहुत स्लो जा रही हैं. तो कनाडा में एक आपको बहुत अच्छा बेनिफिट है कि यहाँ पे जितनी भी मेडिकल फैसिलिटी है वो टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, जो कि यहाँ के परमानेंट रेजिडेंट्स हैं और जो कि कैनेडियन सिटीजन्स हैं उनके लिए. तो यहाँ पे जैसे ही बच्चा बॉर्न होता है उसका भी हेल्थ कार्ड बन जाता है, और हेल्थ कार्ड बनने के साथ ही आप जैसे आप हॉस्पिटल में ही आप हेल्थ कार्ड के लिए अप्लाई कर देते हो, तो हेल्थ कार्ड बनते ही आप जो है एलिजिबल हो जाते हो कि आपको जो फ्री सर्विसेज है वो आप उनको ले सकते हो. एक्चुअल में देखा जाए तो ये फ्री नहीं है, जो आप टैक्सेस पे करते हो उसी में से जो है ये आपको ये सर्विसेज मिल रही है, बट स्टिल यू आर नॉट पेइंग एक्स्ट्रा मनी फॉर दी सर्विसेज मेडिकल फैसिलिटीज हियर. तो वो चाहे आप कोई भी किसी की तरह का ऑपरेशन हो या किसी भी तरह की मतलब आपको प्रॉब्लम हो बड़ी से बड़ी हो, वो टोटली जो है यहाँ की मेडिकल फैसिलिटी कवर करती है. यस, बट मेडिसिन के लिए आपको खुद पे करना होता है. उसके लिए भी क्या होता है, कई बार आपका जो एम्प्लॉयर है जहाँ जिसके पास आप काम कर रहे हैं वो जो है कवर करता है आपकी इंश्योरेंस के अंदर, तो उस इंश्योरेंस के अंदर आपका मेडिकल मेडिसिन भी जो है कवर होती हैं. और यहाँ पे डेंटल जो है वो भी मेडिकल सर्विसेज के अंदर इंक्लूड नहीं होता, उसके लिए भी आपको पे करना पड़ता है. एंड इट्स सो एक्सपेंसिव टू हैव डेंटल सर्विसेज हेयर इन कैनेडा. सो बेटर है कि अगर आपका एम्प्लॉयर जो है डेंटल जो सर्विसेज है वो आपकी इंश्योरेंस में आपको कवर करके देते हैं. तो और मोस्टली जो एम्प्लॉयर्स हैं वो 80% ऑफ डेंटल सर्विसेज जो है कवर कर देते हैं, आपको सिर्फ 20% जो है पे करना पड़ता है उसका.
अब हम अभी के जो क्लिनिक है वहाँ पे पहुँच गए हैं. दिस इज़ द पेडियाट्रिक क्लिनिक फॉर द किड्स हेयर. सो यहाँ पे हम अंदर अभी को लेके जाएंगे. आई होप वहाँ पे वीडियो कवर करना अलाउड हो. आई आपको फिर अगर कवर हुआ कुछ दिखाने के लिए तो मैं ज़रूर दिखाऊंगी. मिलते हैं थोड़ी देर में. Are you excited? Are you? Bolo yes, mama. I am. I'm at the new place today. अभी जब भी बाहर कहीं भी जाता है तो बहुत खुश होता है नई जगह देख के. सो वो पूरा इधर उधर देखता है हर जगह कि मैं ये कहाँ पे आ गया हूँ. सो अभी पहले इसका वेट एंड हाइट चेक होगा बाहर. सो उसके लिए हमें इसको अनड्रेस करना है और उसको सिर्फ डायपर में जो हम बाहर लेके जाएंगे. फिर वहाँ पे वो इसका वेट चेक करेंगे, हाइट चेक करेंगे, फिर उसके बाद जो है डॉक्टर यहाँ पे आएंगे और अभी को एग्जामिन करेंगे. अभी के डैड जो है उसको हेल्प कर रहे हैं अभी को अनड्रेस करने में और उसकी मम्मा खड़े होकर वीडियो बना रही है ना. सो यहाँ पे इस टाइम कनाडा में जो है कोविड की रिस्ट्रिक्शंस अभी भी चल रही हैं और मास्क पहनना मैंडेटरी है. सो अभी को हम बाहर लेके जा रहे हैं उसका वेट वगैरह चेक करने के लिए. अभी जो है बहुत एक्साइटेड है. वो पूरे कमरे को अच्छे से देख रहा है कि क्या हो रहा है यहाँ पे, मैं कहाँ आ गया हूँ मम्मा. सो हम जब भी अभी को अभी बाहर लेके जाते हैं वो हमेशा खुश होता है. वो कभी भी रोता नहीं है, तंग नहीं करता, अनलेस उसको भूख ना लगी हो या उसका डायपर ना फिल हो तो वो कभी भी जो है ऐसे तंग नहीं करता. ही इज ए गुड बॉय. आर यू ए गुड बॉय अबू? सो अभी को भी डॉक्टर ने चेक कर लिया है और उन्होंने बोला है कि अभी इज बिग इनफ टू हैव सॉलिड फूड्स नाउ. ही कैन स्टार्ट टेकिंग सॉलिड फूड्स एंड ही कैन हैव वेजीज, ही कैन हैव सीरियल्स एंड ही कैन एंजॉय हिज सॉलिड्स नाउ एंड ही इज़ इन गुड शेप और परफेक्टली हेल्दी है. हाइट एंड वेट जितना होना चाहिए परफेक्ट है सब कुछ. ऐसी कोई भी मतलब कोई भी किसी तरह की भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. ही इज टेकिंग इनफ डाइट एंड एवरीथिंग इज ओके. एंड इवन डॉक्टर, ये डॉक्टर के साथ भी शैतानियाँ करता रहता है और उनके साथ भी खेलता रहता है. तो डॉक्टर भी बोलते हैं कि अभी जो है बहुत शैतान हो गया है. अभी 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 बहुत शैतान बच्चा है. तो अब हम अभी को फिर से पैक करके दोबारा से कार सीट में घर लेके जाएंगे और अभी इसकी डॉक्टर अपॉइंटमेंट जो है डन हो चुकी है एंड एवरीथिंग गेम्स ओके. जैसे मैं फर्स्ट टाइम आई थी जो कनाडा में, जिस दिन फर्स्ट स्नो पड़ी जब मैं कनाडा में आई थी, ओ माय गॉड आई वाज सो एक्साइटेड. मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं डांस करूं बाहर जाके स्नो में. और उस टाइम मैं जॉब पे थी जब फर्स्ट टाइम स्नो पड़नी स्टार्ट हुई तो जो मेरी मैनेजर थी उसने मेरी चेहरे पे वो खुशी देखी कि जो मैंने स्नो देखने के बाद मेरे चेहरे पे खुशी आई. तो उन्होंने बोला कि तू ऐसा कर, तू बाहर जाके ना इसको इंजॉय करके आ, कि तू सिर्फ यही मोमेंट है जो एक बार फर्स्ट टाइम स्नो एंजॉय करेगी, उसके बाद जो है
तू रोएगी बैठ के क्यों पड़ रही है स्नो, सो इस मोमेंट को मिस मत कर और तू जा बाहर जाके। और मैं बाहर गई लिटरली और मैं स्नो में लिटरली डांस करके आई कि मैंने, मुझे इतना अच्छा लगा कि स्नो, क्योंकि जब हम ऐसी कंट्री में रहते हैं, मतलब इंडिया में स्नो पड़ती है बट कुछ रीजंस में, जैसे शिमला मनाली वाली साइड, वहां पे भी जो है आपको, मतलब ऐसा नहीं है कि आप शिमला मनाली गए हो तो वहां स्नो पड़ी ही रही होगी, वो आपका लक है, कई बार आपको पड़ती हुई मिल जाती है, नहीं तो या इट्स डिफरेंट राइट, या क्योंकि वो जैसे ही वो पड़ती है वो साथ में वो जो है मेल्ट होनी शुरू हो जाती है। ओके गाइस, सो आज का व्लॉग अब मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। और हाँ जी, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हम नेक्स्ट व्लॉग में कहीं घूमने के लिए जा रहे हैं, सो बी रेडी, आप भी हमारे साथ घूमने चलेंगे, तो देखते हैं हम कहाँ घुमा सकते हैं आपको। वैसे मेरे दिमाग में एक दो आइडियाज़ हैं, सो होपफुली वो वर्क करें, क्योंकि एक तो स्नो इतनी है और कोविड की रिस्ट्रिक्शंस इतनी हैं, सो हम इंडोर तो कहीं नहीं जा पाएंगे स्पेशली अभी इस टाइम पे, बट वी कैन प्लान ए आउटडोर टूर। तो आउटडोर टूर में जो है एक दो दिन में जो है हम आपको घूमने के लिए लेके जाएंगे, सो आप अपने बैग पैक पैक कर लीजिए, हमारे साथ चलिए। बैग पैक करने की वैसे ज़रूरत नहीं है, हम डे ट्रिप ही करेंगे, हम रात नहीं रुकेंगे, जब रात रुकना होगा ना तब आप बैग पैक जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो तब तक के लिए फिर मैं अब इस ब्लॉग को यहीं खत्म करती हूँ, सी यू गाइस सून, थैंक यू एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। अगर आपको मेरे साथ घूमने जाना है ना तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, तभी आप मेरे साथ घूमने जा पाओगे। थैंक यू।